सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम दे कर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीभ को विराम लगा कर देखिए, क्लेश का कारवा गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राग बने पड़े हैं। आज का पंचांग 28 जून 2021 दिन सोमवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 2:16 तक रहेगा, दोपहर 2:16 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 12:48 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:28 से 9:08 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 12:59 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 28 जून 2021 दिन सोमवार, अभी आपको दूसरों से मिलने जुलने की बहुत जरूरत है। अपने साथी या किसी खास के साथ समय बिताएं। धन खर्च करते समय सजग और समझदार बने। आगे बढ़ने और विवेक से काम करने और संपर्क के लिए यह समय उचित है। आज आपका पूरा ध्यान अपनी योजनाओं को पूरा करने पर रहेगा। आप अपने भविष्य के बारे में विचार कर सकती हैं। अपने जीवन में असंतोष की स्थिति न आने दें। जीवन में अच्छे बदलावों के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहें। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि वे अपने कामों से महान बनता है। आज दिन मौज मस्ती तथा ऑनलाइन शॉपिंग में व्यतीत होगा। बड़े बुजुर्गों का भी कोई सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए भाग्योदायक रहेगा। महिलाओं को अपने आत्मविश्वास और कार्य क्षमता द्वारा कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी। अपने स्वभाव और विचारों का अवलोकन आपके द्वारा किया जाएगा। जिन बातों की वजह से आप पीछे छूट रहे हैं, उनको बदलने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। खुद के प्रति नकारात्मक भावना बिल्कुल भी न बनने दें। खुद की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को भी स्वीकार करके जरूरी बदलाव खुद के समाधान के लिए लाने की कोशिश करें। काम से संबंधित बातों को वक्त पर पूरा न करने के कारण आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर के द्वारा अचानक से कोई खबर मिलेगी जिसकी वजह से शुरुआत में बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन दोनों मिलकर स्थिति का सामना कर पाएंगे। सेहत में आ रहे बदलाव को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। सावधानियाँ, परंतु यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने बहुत अधिक बखान ना करें। किसी प्रकार के आर्थिक विषमता में भी फंस सकती हैं। इस समय निवेश संबंधित कोई भी निर्णय ना लें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। अपने साथी की जुदाई का भय आपको मानसिक समस्या दे रहा है। ऐसे में खुलकर अपने साथी से इस बारे में बात करें। किसी का खराब स्वास्थ्य आप अस्पताल या पुनर्वास केंद्रों तक ले जा सकता है। आज आपका ध्यान वास्तविक जीवन पर केंद्रित रहेगा। व्यस्तता के कारण आप अपने साथी से दूर हो सकते हैं, लेकिन दिन भर के कामों के बाद तारों की छांव में साथ में डिनर करने से आप दोनों को अच्छा महसूस होगा। लोगों को लुभाने के लिए कोई खास प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपका चार्म ही काफी है। बात करते हैं करियर की। आज किसी कीमती चीज की खरीद या दीर्घकालीन निवेश से बचें, क्योंकि यह नुकसान का कारण बन सकता है।
अपने काम या व्यक्तित्व में परिवर्तन करके आप आय की अतिरिक्त मार्गों को खोल सकते हैं। याद रखें, रिश्ते और व्यापार में कुछ चीज़ों को रहस्यमय बनाए रखना ही उचित होता है। आज आपका पूरा ध्यान अपने विचारों को प्रकट करने पर है, इससे आप अपने आप को उपलब्धियों के और भी नज़दीक पाएंगे। पहचान बनाने की लालसा आपको शीर्ष तक ले जाएगी। अभी आपके आसपास के लोग भी आपके प्रदर्शन की सराहना कर रहे हैं। विभिन्न लोगों से बातें करें और उनके अनुभव से शिक्षा लें, यह भविष्य में आपके काम आएंगी। बात करते हैं सेहत की। तनाव व थकान हावी रहेंगे, नकारात्मक विचारों तथा लोगों से दूर रहें, मेडिटेशन जरूर करें। सेहत में आ रहे बदलाव को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर पंच अमृत चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।